हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चल रही हैं सुहागलें। तो बस यहाँ पे सभी लेडीज़ें बैठ गई हैं, हमारे घर की, हमारे परिवार की। तो बस यहाँ पे अभी खाना पीना चल रहा है और लवली वाची और मैं खाना खिला रहे हैं इन सभी लोगों को। और कहते हैं कि जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद में तुरंत ही सुहागले करनी चाहिए, क्योंकि जो दुल्हन होती है वो सुहागल हो जाती है। तो ये ज़रूरी होता है और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी होती हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे लड़के की शादी की सुहागले की जाती हैं। तो बस यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारा गार्डन जहाँ से भाई का रिसेप्शन होना है। तो ये जो पिक्चर्स आप लोग देख रहे हो, बैनर देख रहे हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। और ये जो पिक्चर्स हैं ये हैं निकाह वाले दिन के, जो कि भाई और भाभी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे साथ में। बस ये हमारा गार्डन का डेकोरेशन है, एंट्रेंस है, वो मैं आप लोगों के साथ में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है कि भाभी के साइड वाले जो लोग थे वो सभी लोग आ रहे हैं, तो सभी का वेलकम किया जा रहा है। और जो जो लोग भी हमारे गेस्ट लोग आ रहे हैं वो सभी भी आते जा रहे हैं, और पापा वगैरह से सभी से हाथ मिला रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने उनका वेलकम किया था। Thank you.
तो अभी जो है कि सारी लेडीज़ें वगैरह भी आ रही हैं, मेरी भाभी की मम्मी वगैरह हैं, चाची हैं, बड़ी अम्मी वगैरह हैं, सभी लोग, तो उनका वेलकम मेरी मम्मी कर रही हैं। और हम लोग उस टाइम पे जो है कि पार्लर में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो हम लोग अभी तक नहीं आए हैं, नहीं तो हम लोग भी खड़े होते, लेकिन अभी यहाँ पे मम्मी खड़ी हुई है उनका वेलकम के लिए। तो यहाँ पे जो है कि सभी लोग आ चुके हैं और अब दुल्हन की एंट्री हो रही है। आजा उतरिए 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 वो चलिए।
तो यहाँ पे जो है कि मैं आप लोगों को नहीं दिखूंगी क्योंकि मैं पार्लर में ही थी और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। हम लोग लेट ही घर से निकले थे क्योंकि आज सुबह जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सुबह ही मम्मी ने सुहागले की थी, तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये बनती है कि भाभी को सबसे पहले मुझे रेडी करवाना था क्योंकि उनका वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं लेट हो जाऊँ तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पहले बाजी को और भाभी को ही मैंने मतलब रेडी करवा दिया था। उसके बाद में लास्ट में मैं बची तो फिर मैं आराम से रेडी होती रही। तो बार बार से मेरे पास इतने ज़्यादा कॉल आ रहे थे ना कि अभी रेडी हो गई क्या, रेडी हो गई क्या, और बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ रही थी। लेकिन क्या होता है ना कि पार्लर जब जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम जो है कि ब्राइडल में लगता है क्योंकि ब्राइडल मेकअप थोड़ा सा अच्छा किया जाता है, तो इसीलिए ब्राइडल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन फिर मैंने बोला कि आप इनको ले जाओ, ये दोनों तीनों लोग रेडी हो चुकी हैं, लवली बाजी, रिचा और भाभी। तो फिर फ़ोन कर दिया था भाई को, तो फिर वो लेने आ गए थे। लेकिन मैं अभी तक पार्लर में ही थी और अभी जो है कि मैं भी आ चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और यहाँ पे जो है कि ये सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं और हमारी जान पहचान के ही हैं। तो वह सभी लोग हम लोग बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं कि घर पे आना, बोल रहे हैं सभी लोग बुलबुल घर पे आना, तो मैं आती नहीं हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं भी बोल रही हूँ कि हाँ मैं आऊँगी। और मेरी एक फ्रेंड है शिवानी, तो वो नहीं आई थी, तो उसकी बहन आई थी एलिश, तो मैं उससे पूछ रही थी शिवानी नहीं आई क्या, तो फिर उसने बोल दिया कि नहीं आई। और मैं जो है कि जैसे ही स्टेज पर आई वैसे ही मुझे बुहार वगैरह जो भाभी को दे रहे थे सभी लोग, मुंह दिखाई के पैसे, तो बस मैं वही लिखती जा रही थी। दोनों आए, दोनों भैया आए, उसको 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 ऐसे 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 मामू की शादी, मामू मामू की शादी। तो यहाँ पे जो है कि सारा खाना जो है कि वेज ही बना था। अब आप लोग कमेंट करोगे कि नॉनवेज नहीं बनाया क्या, तो नॉनवेज नहीं चलता है हमारे यहाँ क्योंकि मुस्लिम लोग और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों ही लोग आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब मेहंदी वाली रात होती है उस टाइम पे नॉनवेज बनाया जाता है हमारे यहाँ पे। लेकिन शादी वाले टाइम पे हमारे यहाँ वेज खाना ही बनता है क्योंकि फिर सभी लोगों के लिए हो जाता है वो। और यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पे जो कि आप लोग कपड़े देख रहे हो ना, ये रखे हुए हैं, ये मेरी भाभी के साइड से ही आए हैं, जो कि चौथी वाले जोड़े बोला जाता है। यानी कि इसमें भाभी का जोड़ा भी आएगा, चूड़ियाँ, चप्पल वगैरह जो भी उनको देना होता है वो सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें ये होता है कि अगर भाभी अपने घर जाएंगी ना तो बस वही वाला जोड़ा पहन करके जाएंगी जो कि उनको मायके से मिला है उनके, ठीक है। और यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह जो हैं ये मेरी चाची वगैरह के लिए हैं, मेरी बड़ी मम्मी के लिए हैं। वैसे तो मम्मी ने मना ही कर दिया था लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं माना और लेकर के आ गए चुपके से ऐसे ही। तो बस यहाँ पे ये सारा मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये भी शायद एक टाइप की रस्म होती है जिसमें चौथी के लिए सभी लोग आते हैं लड़की वालों की साइड से, तो वो कुछ गिफ्ट लेकर के आते हैं सभी लोगों के लिए।
और यहाँ पे जो है कि सभी लोग, मतलब मेरी भाभी के जो भाई वगैरह हैं, सभी लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन आया भाई शादी में। ये सीमा बाजी, मनु भाई, बाजी और भैया, आशिफा बाजी और गुलबसा भी है, फुप्पी भी आई हुई है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे ये लोग आने में। और मैं इनसे पूछ रही थी कहाँ रह गए थे, तो आप लोग अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि जब मैंने जीशान तो पहले ही आ गया था, मैंने जीशान से पूछा था कि भाई और बाजी कहाँ रह गए हैं, तो उसने बोला अभी घर पर रेडी हो रहे हैं और उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। और ये देख लीजिए हमारी प्यारी क्यूट सी इन्नू, बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसको डांस करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। अभी भी देख रहे हो आप लोग, शांति से नहीं खड़ी है लेकिन इधर से उधर मटक ही रही है, वो घूम रही है, डांस कर रही है। और उनको मेरी भाभी की गोद में भी आना था तो उन्होंने लिया भी। और यहाँ पर देखो आशा बाबा जी भाभी को गिफ्ट दे रही हैं।
तो यहाँ पे जो है कि सभी लोग बैठ कर के एक साथ में खाना खा रहे हैं, और खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो सारी स्टॉल वगैरह भी हट चुकी थी, लेकिन फिर हम लोगों ने दोबारा से इस तरह से सभी लोग बैठ कर खाना खाएंगे इस तरह से टेबल जॉइंट करवा ली थी, तो यहाँ पे बैठ कर हम लोग बस खाना भी इनको खिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये फुप्पी को लेकर के आ रहे हैं। और पता है, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक गाना प्ले हो चुका था अपने आप से, मतलब किसी ने लगाया होगा, तो बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना इनको देख कर के, देखो ये गाना गाते हुए आ रहे हैं, क्या गाना लगाया है, वाह। और फुप्पी को लेकर के आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, बच्चे भी हंस रहे हैं, फुप्पी भी खुश है हमारी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है मेरी भाभी की मम्मी और पापा। तो यहाँ पे हम लोग भी अब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, तो बस यहाँ पे भैया बाजी, सीमा बाजी, मोनू भाई, हुप्पी, मेरी बड़ी मम्मी, गोलब सा, तो सभी लोग हम लोग भी बैठ गए थे साथ में ही खाना खाने के लिए। सारे गेस्ट लोग जा चुके थे, आप लोग देख भी सकते हैं कि गार्डन पूरा खाली हो चुका है, और हम लोग सबसे लास्ट में खाना खा रहे हैं क्योंकि बाजी को भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आशिफा बाजी को आने में। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे भी आगे आप लोगों को और भी वीडियो मिलेंगी, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।